पति पत्नी को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए एक दूसरे का झूठा। प्यार नहीं बल्कि बढ़ सकता है आपके जीवन में दुर्भाग्य। नमस्कार, मैं बीएल सनोटिया और आप देख रहे हैं बीएल ज्ञान। हमारे शास्त्रों में और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि 100 काम छोड़कर नहाना और 1000 काम छोड़कर खाना, अर्थात नहाने और खाने की महत्वता को बताया है। आज के समय में अधिकांश लोग, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका, दोस्त यार, नए नवेले पति पत्नी, एक दूसरे का झूठा बड़े ही प्यार से खाते हैं और कहते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। आज के समय में हर किसी को यही लगता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झूठा खाना किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रण दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि खाना खाते समय अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो इससे स्वास्थ्य लाभ और देवी देवताओं की कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में भोजन को सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूजनीय माना गया है, अन्य देवता के तुल्य से कहा गया है, अन्य देवता माना गया है। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम आपको भोजन से जुड़ी हुई, खाना खाने से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे कि किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी लाभदायक, स्वास्थ्यदायक और जानकारियों से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ऐसा बताया गया है कि खाना खाते समय कुछ चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खाना खाते समय टीवी देखना, संगीत सुनना, बातचीत करना अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए कई लोग आज भी खाना खाते समय एक शब्द भी नहीं बोलते, इशारों से ही बात करते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति को किसी का झूठा खाना भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि किसी का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, इससे प्यार वगैरह कुछ नहीं बढ़ता, ये सब मन की अफवाहें हैं। दरअसल हिंदू धर्म में भोजन को केवल खाद्य पदार्थ ना मानकर सभी देवी देवताओं की तरह पूजनीय माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव जुवान, वाणी, सुख, धन की बचत और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करता है। लेकिन जो लोग किसी का झूठा भोजन करते हैं तो इससे व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति का दूसरा भाव यानी वाणी का भाव प्रभावित हो गया तो उसकी भाषा में कर्कशता भाव आ जाता है, यानी कर्कशता आ जाती है और उसे कई सारे दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि किसी का झूठा भोजन खाने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इससे उसके सुखों में कमी आती है, उसके घर परिवार में कलह बढ़ती है और भोग विलासिता में कमी आती है, यानी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में भी आ जाते हैं, जिसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे धन पर होता है। कहा जाता है कि किसी का झूठा खाने से धन संचय नहीं हो पाता और व्यक्ति को आर्थिक तौर पर संकटों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल, अगर आप भी प्यार मोहब्बत में आकर किसी का झूठा खाना खाते हैं तो फिर आपको अपनी ये आदत तुरंत ही बदल देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी लाभदायक, स्वास्थ्यदायक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।